और अब ग्वालियर से बड़ी खबर आपको दिखा दें, जहां युवती से छेड़छाड़ करना युवक को महंगा पड़ गया। युवती और एक महिला ने आरोपी को जमकर पीटा है। छेड़छाड़ करने वाले युवक की चप्पल से पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पड़ाव थाना के फुलबाग चौराहे की पूरी घटना बताई जा रही। वीडियो आप देखिए कि युवती से छेड़छाड़ करने पर किस तरीके से उसकी पिटाई की जा रही है, इसका वीडियो भी सामने आया। युवती और एक महिला ने यहां पर आरोपी को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ कर रहा था ये, जिसके बाद व्यक्ति चप्पल से पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, जो कि RBC24 पर एक्सक्लूसिव है। फुलबाग चौराहे की पूरी घटना है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, वीडियो हम देख पा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से छेड़छाड़ करने के बाद युवक की चप्पलों से पिटाई की गई है, लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई बताइए। चलिए महेंद्र, हमारे सहयोगी से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये महिला चप्पल से युवक की बेदर्दी से पिटाई करती आप पर नजर आ रही। बताइए जा रही कि पहले युवक ने इनके साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद महिला को गुस्सा आया और उसने यहाँ पर युवक की पिटाई कर दी। तो RBC24 पर एक्सक्लूसिव की वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, और अब देखने वाली बात होगी कि इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या एक्शन इस पर लिया जाता है। और चलिए महेंद्र, हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, वीडियो हम देख पा रहे हैं, आप बताइए पुलिस ने क्या कार्रवाई की वीडियो के सामने आने के बाद। महेंद्र, आवाज आ रही अब तक हमारी? जी, बता दूं कि जो डबरा थाना जो है सिटी का मामला है, ये जहाँ पे पिछोर चौराहे पर देर रात जो अज्ञात लुटेरे थे, जो उन्होंने जो SBI का ATM था उसको उखाड़ कर, जो कि पूरा मशीन का जो उसमें कैश रहता है उसको पूरा उखाड़ कर वहां से ले गए हैं। इसके जब सुबह जब लोग वहां पर ATM में पैसा निकालने पहुंचे तो वहां पर ATM टूटी हुई पड़ी हुई थी, जिसके देख उन्होंने जो स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के SP और CSP वगैरह भी मौके पर पहुंचे थे। चलिए महेंद्र, आपसे एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस खबर पर पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल विजय दर्शकों को एक बार फिर से दिखा सुना देते हैं कि किस तरीके से युवक की पिटाई यहां पर गई है।